नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3X 5G वर्सेस Vivo Y28S 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3X में 6.52 इंच जबकि Vivo Y28S में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3X से कम है। विड्थ की बात करें तो A3X में 2.99 इंच जबकि Vivo Y28S में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A3X में 0.3 इंच जबकि Vivo Y28S में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3X में 187 ग्राम जबकि Vivo Y28S में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3X में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y28S में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3X में 720x1604px HD+ और Vivo Y28S में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3X में 85.29% जबकि Vivo Y28S में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y28S में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिरी में सेंसर देखने को मिलता है। और Vivo Y28S की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3X में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y28S की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y28S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3X में अप टू 2TB जबकि Vivo Y28S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3X में 5100mAh जबकि Vivo Y28S में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A3X में 3 कलर्स जबकि Vivo Y28S में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3X 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीज में मिल जाता है। और बात करें Vivo Y28S की तो वो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो A3X 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए वीवो Y28S 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में वीवो Y28S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200E 5G है, दूसरा मोटो G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।